हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि आप अपने हेयर की कैसे केयर करते हैं, तो उसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो हेयर केयर के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं यूज करती हूँ, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं अपने हेयर केयर के टिप्स आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपने हेयर की केयर करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। मैं आपके साथ जो आज हेयर केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं आपसे दो टाइप्स के हेयर केयर टिप्स शेयर करूंगी। एक तो वो है जो आपको करने हैं और एक वो है जो आपको नहीं करने हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक ध्यान से जरूर देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए आप ये कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं और उसकी आपको 3 से 4 टेबल स्पून लेना है। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि आपकी लेंथ कितनी है, और उसमें ये लेमन का जूस को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस आपको जितना आप कोकोनट ऑयल लेंगे उतना ही आपको लेमन जूस लेना है। और इसको अब हम एक स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपको अपने स्कल्प पे लगाना है और आपके सर में जितनी भी डैंड्रफ होगी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और आपको 15 से 20 मिनट बाद वॉश कर लेना है। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जो हेयर केयर टिप्स में फर्स्ट पॉइंट आता है वॉश योर हेयर रेगुलरली। इट मींस आपको अपने हेयर और स्कल्प को बिल्कुल क्लीन रखना है। इट मींस इसको डर्ट एंड एक्सेस ऑयल से फ्री रखना है हमको। तो अगर आपके ऑयली हेयर हैं तो आपको अल्टरनेट डेज पे इसको वॉश करना है। अगर आपके हेयर ड्राई हैं तो आप हफ्ते में 2 बार भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना स्कल्प और हेयर बिल्कुल क्लीन रखना है, यानी कि उसमें कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए और उसमें एक्सेस ऑयल नहीं होना चाहिए। तो ये है इसका सेकेंड पॉइंट। हमारा आता है यूज केमिकल फ्री शैम्पू। इट मीन्स हम एनवायरमेंट फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने शैम्पू को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। हम उसमें ये देख सकते हैं कि उसका पीएच बैलेंस कितना है, सल्फेट और पैराबेंस कितना है। ये बेसिकली 2 केमिकल होते हैं जो कि झाग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हमारे शैम्पू में इनकी क्वांटिटी कम होगी तो हमारे बाल स्ट्रांग और हेल्दी होंगे। तो जब भी आप शैम्पू परचेज कर रहे हो तो आप उस पर ये जरूर देख लें कि उसमें कितना सल्फेट है और कितना पैराबेंस है और उसका पीएच बैलेंस्ड है या नहीं। अगर वो होगा तो वो शैम्पू आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो जब भी आप शैम्पू चूज कर रहे हो तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप किस टाइप का शैम्पू यूज कर रहे हैं। और मैं जो यूज करती हूँ वो है ये लॉरियल एक्सटेंशन का। अगर किसी ने अपने बालों में स्मूथनिंग करा रखी है, जैसे मैंने कराई थी 1.5 साल पहले, तो मैं ये लॉरियल एक्सटेंशन की बॉटल है जो मैं यूज करती हूँ। और इसमें इसमें जो सल्फर है और पैराबेंस जो है वो कम होता है। इसका पीएच भी थोड़ा बैलेंस्ड होता है, इसलिए मैं यूज करती हूँ। ये मैं बड़ी बॉटल एक बार ले लेती हूँ तो ये 1-1.5 साल मेरा यूज हो जाती है। तो आप भी लॉरियल एक्सटेंशन का ये यूज कर सकते हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये स्मूथनिंग वाले बालों के लिए, जिसने रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करा रखी है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है और स्मूथनिंग भी थोड़ा लंबा टाइम चल जाती है। अब आते हैं जी हम अपने थर्ड पॉइंट पर। तो हमें थर्ड पॉइंट में है कि आपको कंडीशनर करेक्टली चूज करना चाहिए। इट मींस ये है कि आप जो कंडीशनर यूज कर रहे हैं, कंडीशनर से बेसिकली क्या होता है कि हमारे बाल थोड़े से स्ट्रेट रहते हैं और थोड़े मैनेजेबल रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम बाहरी फैक्टर को नहीं रोक सकते कि सपोज सनलाइट से खराब हो गए हैं या किसी चीज से। तो आपको जो कंडीशनर है वो अच्छा यूज करना चाहिए। जैसे मैं लॉरियल पेरिस का टोटल रिपेयरिंग वाला ये भी कंडीशनर यूज करती हूँ, और ये एलो जोजोबा वाला जो कंडीशनर है ये भी यूज करती हूँ क्योंकि इसका पीएच बैलेंस आप देख सकते हो कि कम होता है, उसमें एलोवेरा भी होता है। तो मैं ये यूज करती हूँ अल्टरनेट करके, कि कई बार ये अवेलेबल नहीं होता मार्केट में तो फिर मैं ये यूज कर लेती हूँ, और आप भी ये यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनर जो है वो जब भी आप कर रहे हो तो वो आपकी स्कल्प पे ना लगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंडीशनर को ऐसे हाथ में लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे करके पूरे पे लगा देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप कंडीशनर अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्कल्प पे नहीं लगाना है, आपको केवल नीचे वाले हेयर पे लगाना है जो कि आपके स्ट्रेट और मैनेज रहे। बस कंडीशनर का केवल इतना ही काम होता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट।
हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको कोई भी एलोवेरा जेल लेना है, मैं यही एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, ये फॉरएवर का है। आपको इसके 4 से 5 टेबल स्पून लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लेमन लेना है और उसके जूस को निकाल के इसमें ऐड करना है और आपको 4 से 5 ड्रॉप लेमन जूस की डालनी है और इससे बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ होती है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, ड्राई योर हेयर नेचुरली। इट मीन्स आपको अपने बालों को नेचुरली सुखाना है, आपको कोई हेयर ड्रायर बार बार यूज नहीं करना। उससे क्या होता है कि हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं और बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। आप कभी कभी यूज कर सकते हैं, सपोज आप किसी इवेंट में जा रहे हो 2-4 महीने में, तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा जब भी आप हेयर वॉश करके आए तभी आपको बार बार हेयर ड्राई यूज नहीं करना है। उससे बाल बहुत ज्यादा खराब होते हैं, बहुत डैमेज होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं। तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज से बालों को नहीं सुखाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो शादी या पार्टी में, तो आप अपने बालों को उससे सुखा सकती हैं, अदरवाइज आपको नॉर्मल। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपने गीले बालों को ना तो कंघे से सुलझाना है और ना ही आपको गीले बाल करके सोना है। तो आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उससे क्या होता है, जब हम अपने पिलो अपने सर के नीचे रखते हैं तो उसकी रगड़ से हमारे बाल खराब हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो कभी भी आपको गीले बालों में नहीं सोना है और गीले बालों में कंघा भी नहीं करना है, तो ये हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी पॉइंट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है, जब भी आप टॉवल से बालों को साफ कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे ऐसे साफ करना है, बहुत रगड़ रगड़ के ऐसे साफ नहीं करना है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, इससे क्या होता है हमारी जड़ें कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ऑयल योर हेयर प्रॉपरली। इट मीन्स आपको अपने बालों को ऑयल जरूर लगाना है। अगर आप हफ्ते में 2 बार सर धो रहे हैं तो आपको 2 बार ऑयल लगाना है और आपको मसाज करनी है। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, स्कल्प बहुत अच्छी हो जाती है, हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनको पूरा पोषण मिलता है, मल्टी विटामिन मिलता है, सब कुछ इनको ऑयल से मिलता है। तो हमें अच्छे से मसाज करनी है, तो उससे हमारे पोर्स खुल जाते हैं। और ऑयल मतलब मैं कह सकती हूँ कि बालों के लिए एक तरीके से वरदान है। आपको मिनरल ऑयल यूज नहीं करना है, आप चाहे तो सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, जैतून का तेल यूज कर सकते हैं, बादाम का तेल, नारियल का तेल, आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं जिस जो भी आपके बालों को सूट आए, लेकिन आपको अपने बालों को ऑयल जरूर लगाना है। और इससे हमारे बाल बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, नोरिश इनको मिलता है, मतलब हर तरीके से इन तेल लगाने से इनको सारे पोषण मिल जाते हैं। तो आपको अपने बालों को ऑयल जरूर लगाना है। गाइज ये रेमेडी है स्कल्प स्क्रब के लिए। अगर आपको स्कल्प का स्क्रब करना है तो आपको शुगर लेनी है, 2 से 3 टेबल स्पून आपको शुगर लेनी है और उसमें लेमन जूस ऐड करना है और इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। आप यहाँ पे चाहे तो आपको पाउडर नहीं लेना है और आपको इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और आप इसको अपने स्कल्प पे लगा सकते हैं। आपके स्कल्प का स्क्रब हो जाएगा और आपके जो बाल है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और आपके बालों को न्यूरिश मिलेगा क्योंकि इसमें लेमन है और हम लोग शुगर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा स्क्रब है। आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं, इससे हेयर ग्रोथ भी होती है। तो ये बन गया है हमारा शुगर स्क्रब, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हमें चौड़े दांत वाली कंघी यूज़ करनी है। यूज़ अ वाइड टूथेड कॉम्ब। इट मीन्स आपको बहुत पतले वाले दांतों वाली कंघी यूज़ नहीं करनी है, आपको इस टाइप की कंघी यूज करनी है। ये लकड़ी में भी आती है, प्लास्टिक में भी आती है, लेकिन जिसमें ये चौड़े हों दांत वही आपको यूज करनी है। इससे क्या होता है कि हमारे बाल टूटते नहीं है और बहुत इजीली ऐसे कॉम्ब हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पतले दांतों वाली कंघी का यूज नहीं करना है, आपको हमेशा जो भी कॉम्ब लेना है वो चौड़े दांतों वाला ही लेना है। इससे हमारे बाल डैमेज नहीं होते हैं, बाल टूटते नहीं है, बालों की जड़ें कमजोर नहीं होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे हेयर केयर के टिप्स में, तो प्लीज इस बात का जरूर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टाइल योर हेयर नेचुरली। इट मींस ये है कि आपको अपने बालों को, जो मैंने पॉइंट अभी पहले भी बताया है दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, उसी के अंदर एक और थोड़ा सा इसमें एड ऑन है कि आपको अगर अपने बालों को स्टाइल करना है तो ब्लो ड्राई या फिर कर्लर वगैरह बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई स्टाइल बनाना है तो आप पिनअप कर सकती हैं, बन बना सकती हैं या फिर पोनी बना सकती हैं। तो नेचुरली जो भी आप हेयर स्टाइल बना सकती हैं वो बनाएं, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हमें
यूज नहीं करना है, उससे भी हमारे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं और फिर बहुत ज्यादा खराब होते हैं, उससे बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी होता है। आपको किसी पार्टी या शादी वगैरह में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ब्लो ड्राई करना है या फिर आपको अपने बालों को कर्ल करके एक स्टाइल देना है, तो आपको ये इम्पॉर्टेंट टिप जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपने बालों में पहले सीरम यूज करना है। गाइस, सीरम हमें जरूर यूज करना है, अगर आप ब्लो ड्राई करा रहे हैं या फिर आप कलर करा रहे हैं तो सीरम का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, हमारे थोड़े से बाल कंट्रोल होते हैं डैमेज होने से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। ये रेमेडी है हेयर शाइन के लिए, आप कोई भी हनी यूज कर सकते हैं। मैं फोरएवर का ये बी हनी यूज करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्योर होता है, इसलिए ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपको 2 से 3 टेबल स्पून हनी लेना है और उसके बाद इसमें लेमन जूस ऐड करना है और इसको आपको स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ आपको ऐसे ही मिक्स करना है और आपको इसको अपने बालों पर लगाना है। गाइस देखिए, आपके बाल बहुत ही ज्यादा चमकेंगे, बहुत शाइन करेंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अब आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रिम योर हेयर रेगुलरली। इट मींस आपके बालों के ये जो भी एंड होते हैं आपको 6 से 8 हफ्ते में इनको कट जरूर करना है कैंची से। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं पार्लर तो आप इसके एंड को छोटा छोटा खुद 2 पोर्शन में इसको डिवाइड करके तो आप इसको कट कर सकती हैं, लेकिन आपको 6 से 8 हफ्ते में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने में आप कट कर सकती हैं। इससे क्या होता है, जरूरी नहीं कि आपके हेयर की लेंथ बहुत ज्यादा हो या ग्रोथ बहुत अच्छी हो, लेकिन आपके हेयर जो होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि जो उसमें 2 मुहे बाल होते हैं वो हमारे निकल जाते हैं और हमारे हेयर भी बहुत अच्छे लगते हैं और हेयर की ग्रोथ भी होती है। हमारा ड्रिंक मोर वाटर, आपको ये सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा कि पानी पीने से कोई हमारे बाल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे या घने हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो यस, बिल्कुल आपने सही सुना कि आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है, कम से कम 2 से 3 लीटर आपको दिन में पानी पीना है, बिकॉज एक्सटर्नल हाइड्रेशन के साथ इंटरनल हाइड्रेशन भी इम्पोर्टेंट की है हमें वेल बैलेंस्ड रखने के लिए और हमारे हेल्दी हेयर के लिए। पानी हमें ज्यादा से ज्यादा पीना है। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईट हेल्दी। इट मींस आपको हेल्दी खाना है क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं वो प्रोटीन और अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो इनको हमें प्रॉपर एक न्यूट्रिशन देने के लिए हमें हेल्दी खाना पड़ता है। आप उसमें एग ले सकते हैं, फिश खा सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं या फिर आप स्वीट पोटैटोज भी खा सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी हेल्दी फूड है वो आपको खाने हैं, इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके बाल हेल्दी होंगे, आपके बाल नोरिश करेंगे, तो आपको हेल्दी खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, यूज हेयर कैप या हैट या फिर आप स्कार्फ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर सनलाइट में जा रहे हैं या फिर बारिश में या कहीं आप बाहर ऐसे उसमें निकल रहे हैं एनवायरमेंट में जिसमें कि आपके बालों को डैमेज होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, डायरेक्ट सनलाइट आपके हेयर पे पड़ती है तो वो हमारे हेयर का मॉइस्चराइजेशन खत्म कर देती है जिससे हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं और वो बहुत टूटने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत हेयर फॉल हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप धूप में या बारिश में घर से बाहर निकल रहे हो या ठंड में, तो आपको अपने बालों को कवर करना है या तो कैप से या तो हेड से या तो आप स्कार्फ से भी कर सकते हैं। और दूसरा एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हो तो उसमें क्लोरीन डला होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत खतरनाक होता है, उससे भी हमारे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा स्विमिंग पूल मतलब यूज नहीं करना है बालों में, अगर आप कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली कैप या हेड का यूज जरूर करें। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूज हेयर बैंड। इट मीन्स सबको अच्छा लगता है कि अपने बालों को खुला रखें, हम बहुत सुंदर दिखें, लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और एनवायरमेंट फैक्टर ऐसा है कि आपके बालों का डैमेज होने का ज्यादा चांसेस हैं, तो आप हमेशा अपने बालों को पोनीटेल बांधें। और जब भी आप पोनीटेल बांध रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि आपके बाल यहां से जड़े बहुत ज्यादा खिंचनी नहीं चाहिए, ना आगे से और ना ही पीछे से। आपको पोनीटेल अगर बांधनी है तो आपको थोड़ा सा उसको लूज रखना
रखनी है ताकि वो बहुत ज्यादा हमारे बाल खींचे ना और हमारे बाल डैमेज ना हो, हमारे बाल टूटे ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जब भी आप अपने बालों को बांधे तो आपको प्लास्टिक वाले हेयर क्लिप का यूज नहीं करना है, आपको इस टाइप के कोई भी रबर बैंड होते हैं, ये बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होते, ये बहुत अच्छे हेयर बैंड होते हैं। आपको फैब्रिक के कोई से भी आप हेयर बैंड अपना यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने बालों को खुला नहीं रखना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको पोनीटेल बांध के रखना है या फिर उनको आप चोटी भी बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यूज अ हेयर रैप और ओल्ड टी शर्ट टू ड्राई, यानी कि आपको अपने बालों को सुखाने के लिए तौलिया अगर आप कम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। ये पॉइंट आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर ये सच्चाई है कि अगर आप तौलिया का यूज करते हैं तो वो ज्यादा खुरदुरा होने की वजह से आपके बालों को थोड़ा धीरे धीरे खराब करने लगता है। तो आपके पास जो भी सॉफ्ट टी शर्ट हो आप अपने बालों को उससे सुखाएं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, आप उस अपने बालों का उससे पानी निकालें तो वो ज्यादा ठीक होता है, और ये इससे हमारे बाल थोड़े लंबे टाइम तक चलते हैं और हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। सो गाइज, वो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए जो आपको अपने बालों के लिए यूज करने हैं। अब मैं उन पॉइंट को बताने जा रही हूँ जो आपके को अपने बालों के साथ यूज नहीं करने हैं, मतलब आपको फर्स्ट पॉइंट है आपको हॉट शावर नहीं लेना है। अगर आप अपने बालों को वॉश कर रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप ठंडे पानी से धोएं, अगर बहुत ज्यादा ठंडा है तो बिल्कुल हल्का सा आप वार्म वाटर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप ठंडे पानी से धोएं। उससे क्या होता है कि हमारे बाल जो होते हैं गर्म पानी से धोने से उसमें एक ड्राई हो जाते हैं और उसमें डेंड्रफ भी बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, अनहेल्दी हेयर हो जाते हैं। तो आपके बालों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोल्ड वाटर का यूज करें। सेकेंड पॉइंट है जो हमें बिल्कुल नहीं करना है वो है स्ट्रेस। यस गाइज, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी है, उससे क्या होता है हमारा जो हेयर फॉल होता है अनहेल्दी हेयर हो जाते हैं, तो आपको स्ट्रेस बहुत लेस लेनी है क्योंकि उससे हमारे स्कल्प पे बहुत ज्यादा इफेक्ट। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है जो आपको नहीं करना है, आपको बहुत सारे अपने बालों पे केमिकल अप्लाई नहीं करने हैं। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि हर 2-4 महीने में कलर कराते रहते हैं या फिर स्मूथनिंग कराते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे बालों पे बहुत ज्यादा केमिकल लगते हैं, फिर ब्लो एयर लगता है, फिर वो ड्राई करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजों से हमारे क्या होता है स्कल्प भी थोड़ी सी वीक होने लगती है और हमारे बाल बहुत ज्यादा देखने में तो बहुत सुंदर हम लोग लगने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करें कि अपने बालों पे कम से कम केमिकल यूज करें। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है जो हमें नहीं करना है, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हमें यूज नहीं करने हैं। कुछ लोग स्ट्रेटनर यूज करते हैं, कुछ ब्लो ड्रायर यूज करते हैं, कुछ कर्लर यूज करते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे हमारे बालों का बहुत ज्यादा ब्रेकेज होने लगता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे बहुत कंघा भर भर के बाल उतर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम बहुत सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों में नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर किया, अभी सीरम भी यूज नहीं किया हुआ है, उसके बाद भी नॉर्मल बाल अच्छे लग रहे हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज नहीं। ये रेमेडी है हेयर फॉल के लिए, आपको प्याज लेनी है, उसको आपको अच्छे से पीस लेना है और उसका जूस निकाल लेना, जैसे मैंने ये निकाल लिया है। गाइज ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसको जरूर यूज करके देखिएगा। अब आपको इसमें लेमन जूस ऐड करना है 2-3 टेबल स्पून, और आपको इसको स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप इसको अपने स्कल्प पे लगाइए, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। ये आप करके देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें नहीं करना है वो है सॉल्ट वाटर हेयर वॉश, यानी कि जब भी आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो उसमें सॉल्ट मिला होता है, क्लोरीन मिला होता है, तो आपको अपने बालों को कम से कम स्विमिंग पूल में वॉश करना है, हो सके तो कैप से कवर करके। ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ पर दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपको सॉल्ट वाटर से अपना हेयर वॉश नहीं करना है, तो ये हमारे बालों को खराब करने का सबसे बड़ा कारण। गाइज मैंने आपके साथ सारे पॉइंट शेयर कर दिए कि आपको हेयर केयर के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आता है कि अगर आप अपने बालों की हेयर केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि आपके बालों की ग्रोथ रुक जाएगी और मे बी एक पॉइंट के बाद वो बढ़ना बंद हो जाएंगे या फिर डेंड्रफ होनी शुरू हो जाएगी, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, ड्राइनेस शुरू हो जाएगी एंड डलनेस लगने लगेंगे, इनमें बालों में न्यूरिश नहीं रहेगा। तो ये सारे जो कॉज होते हैं वो सारे के सारे इसीलिए होते हैं क्योंकि हम लोग अपने हेयर की केयर नहीं करते। गाइज अगर आप लॉन्ग हेयर को वॉश रेगुलरली नहीं करेंगे तो आपके बाल जो होंगे वो
आपकी जो स्कल्प होगी वो खराब होना शुरू हो जाएगी, एक्सेस ऑयल रहेगा तो आपके बाल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप गलत प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, शैम्पू कंडीशनर जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इचिंग होने लगेगी और उससे स्कल्प खराब होके हमारे हेयर खराब होने लगेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो बहुत आपके बालों को सूट आए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है, जब भी आप अपने बालों को वॉश करते हैं तो आपको उनको पूरा खोल के नहीं सुखाना है। आप यहाँ पे कोई क्लच लगा लीजिए, कोई रबड़ लगा लीजिए, इट मीन्स आपके बालों में थोड़ा सा मॉइस्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्या होता है हमारे बाल ड्राई नहीं होते हैं, बाल झड़ते नहीं है। तो आप जब भी अपने बालों, आपके बाल गीले हों और आप उनको सुखा रहे हों, तो आप थोड़ा सा क्लच लगा के या फिर रबड़ लगा के तभी सुखाएं। और आप सही प्रोडक्ट का यूज करें, हेल्दी खाएं, ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेयर और नो हेयर, सेलिब्रेट योरसेल्फ, नेवर थ्लेस। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 लाइक और शेयर कीजिए।